हेलो गाइस, तो आज हम बात करते हैं मार्सन फार्मा लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसकी अभी करंटली प्राइस चल रही है 198 रुपये। देन स्टॉक ने आज करीब 5% के आसपास तेजी दिखाई है। तो फार्मा सेक्टर्स के इसके जो प्रोडक्ट रहते हैं, आप समझ सकते हो फार्मा सेक्टर का जो स्टॉक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा NSE BSE दोनों में कंपनी लिस्टेड है। आप देख सकते हो मिड कैप स्टॉक है, 8981 करोड़ का स्टॉक का मार्केट कैप है स्टॉक की। अगर हम 12वीं हाई की बात करें 217 रुपये, 12वीं लो की बात करें 93.80 रुपये। स्टॉक की पीई की बात करते हैं तो 28.6 निकल के आती है, बुक वैल्यू 45.6 है, यानी कि 45.60 रुपये। एंड अगर हम डिविडेंड की बात करें 0.25% कंपनी डिविडेंड देती है। ROE की बात करें तो 20.6% है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। देन अगर हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये। देन अगर हम आगे बात करते हैं लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। एंड यहाँ पे 3 ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, हालांकि मैंने इस लेवल पे भी आपको बाई करने के लिए बोला था लेकिन यहाँ पे किसी ने बाई नहीं किया, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे ये लेवल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी बाई करने के लिए बोला। इसके बाद स्टॉक की यहाँ पे प्राइस गई, 10 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो इसकी प्राइस यहाँ पे जा पहुँची 100 रुपये के आसपास, जैसे कि आप देख सकते हो 100 रुपये प्लस जा चुकी थी। ये देखिए 100 रुपये के आसपास ही जा चुकी थी। इसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई, तब भी मैंने बोला यहाँ पे 100 रुपये के आसपास कि आप जो बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि अगर इतने 100 रुपये का लेवल तोड़ा तो सीधा भाग जाएगा स्टॉक। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा था, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो 100 रुपये ऊपर रेस्टोरेंट से आप देख सकते हो, इसे आप यहाँ पे इस लेवल पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 100 रुपये। तो सेम लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ से फिर से बाउंस बैक मिल सकता है और मिला 100 से 200 रुपये इजीली स्टॉक चला गया। कोई सुनिए, लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी स्टॉक में आप जो बाइंग कर सकते हो। बाकी लास्ट 3 ईयर्स में प्रमोटर ने 4.38% के आसपास काफ़ी अच्छे वो मतलब माइनस में अपना होल्डिंग कर दिए। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट की, तो सेल्स कंपनी के यहाँ पे कम हुए हैं, OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कम हुआ है। देन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की ईयर बाय ईयर बेसिस में, तो सेल्स कंपनी के इंक्रीज हुए हैं। एंड अगर हम बात करते हैं OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। साथ में आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो आपको देखने को मिलेगा कि नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, सेल्स ग्रोथ कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं, OPM यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CAGR रिटर्न की, तो आप देख सकते हो CAGR भी इसका जो है इंक्रीज हो रहा है। साथ में यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो रिजर्व कंपनी का इंक्रीज हुआ, कर्जा ज़्यादा कुछ है नहीं, एंड टोटल एसेट कंपनी के इंक्रीज हो रहा है, नेट कैश फ्लो कंपनी के प्लस में। ये आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शेयर होल्डर पैटर्न की, तो प्रोमोटर्स की 43.37% की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। हालांकि मैंने इस पर आपको क्यों बोला था बाइंग करने के लिए, 2023 से ही इस पर जो है बाइंग करने के लिए बोल रहा था इस लेवल से, क्योंकि यहाँ पर सीधा FII ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, जैसे कि आप देख सकते हो 4% से सीधा 15%, इसके बाद थोड़ी बहुत कम की। लेकिन इस टाइम पे 2024 में जून में आप देख सकते हो फिर से अपनी होल्डिंग बढ़ाई, क्यों बढ़ाई, क्योंकि आने वाले टाइम में इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड पब्लिक ने भी अपनी यहाँ पे होल्डिंग कम की है, तो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अभी भी स्टॉक को ले सकते हो, लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है। बाकी ये वीडियो खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो अगर आप बाई करते हो तो एक बार अपनी रिसर्च एनालिसिस ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।